हेलो गाइस, माय नेम इज अमित सैनी। 25 अक्टूबर का लेसन है द हिंदू अनाउंस में आपका स्वागत है। और सुबह सुबह लेसन आते हैं, शाम को आते हैं एमसीक्यूज के लेसन। दोनों आपको पूरा डिटेल में देखने हैं और एक घंटे से भी कम का टाइम आपको लगेगा दोनों लेसन के अंदर। आज तो वैसे ही छोटा लेसन है क्योंकि पॉलिटिकल इन्फॉर्मेशन सारी आज न्यूज़ पेपर में भरी पड़ी है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, इंपॉर्टेंट इशूज़ जो हम डिस्कस करेंगे और पूरी हेल्प ये दोनों लेसन आपके करने वाले हैं। 25 अक्टूबर है, दिवाली आने वाली है, एंजॉय कीजिए, रिलैक्स होइए, लेकिन अपना कंसिस्टेंसी जो है वो बिल्कुल मत छोड़ना। 70% ऑफ जो है वो चल रहा है इन कोर्सेज के रिगार्डिंग, और जो 30 अक्टूबर तक रहेगा ये कोर्सेज आप ले सकते हैं। और ये सबसे बड़ा ऑफर भी इस साल का होगा। और पेड प्लेटफॉर्म के जो वीडियोस हैं वो 159 रुपीज़ पर मंथ में ही अवेलेबल हैं। तो ये भी एक अफोर्डेबल और बहुत इंपॉर्टेंट इशू है जहाँ पर आपको एग्जाम ओरिएंटेड हेल्प जो है पूरी मिलेगी। पॉकेट न्यूज़ ऐप ट्रेनिंग के ऊपर है। और जितने भी इश्यूज़ हैं, कोर्सेज हैं, कोई भी क्वेरी है, कोई भी पेमेंट रिलेटेड इशू है, वो इन दो नंबर पे आपको कॉल करना है। और अभी कोई समस्या इसमें नहीं आने वाली है, इसके इश्यूज़ जो है सॉल्व हो गए हैं सारे। और चैट सेक्शन इस वेबसाइट के ऊपर अवेलेबल है, पीडीएफ आपको मिलेगा। यहाँ पर टेलीग्राम चैनल दिया हुआ है उसके ऊपर, जो इस फेसबुक ग्रुप के ऊपर है, इसको आप इस पर आप रिक्वेस्ट भेज सकते हो। और इंस्टाग्राम पर भी आप मुझे फॉलो कर सकते हो। पहला इशू है, इम्पोर्टेंट इशू है, पोलियो के रिगार्डिंग। एक इम्पॉर्टेंट डिजीज़ है और 1950s में जब ये वैक्सीन बनी थी उससे पहले एक ऐसा इशू बन गया था कि ये बच्चों के अंदर सबसे ज़्यादा स्केरी डिजीज़ बन गई थी। और क्योंकि इतना बड़ा इशू होता है कि ये जो न्यूरॉन्स होते हैं, मोटर न्यूरॉन्स वगैरह जो होते हैं, उसको डैमेज कर देता है। इसलिए या तो आधे केसेस में रिकवरी हो जाती है या फिर इसका कोई इलाज नहीं है। और वो जो मसल्स जो होती हैं बॉडी की, वो कमज़ोर पड़ जाती हैं। पैर की होती हैं, कमर की होती हैं और स्केलेटल मसल्स होती है, सारी कमज़ोर पड़ जाती है। तो ये पोलियो से होता है। और अभी दुनिया में काफ़ी एडवांसमेंट हो गया है और जो वैक्सीन्स हैं वो कई तरह के डेवलप कर ली गई हैं। इंडिया पोलियो फ्री हो ही चुका, आपको याद होगा। अभी 3 में से 2 जो वाइल्ड पोलियो वायरस होते हैं, 3 टाइप के होते हैं, उसमें से 2 जो हैं वो इरेडिकेट हो गई हैं दुनिया से, क्योंकि उनके रिगार्डिंग इम्यूनिटी सबके अंदर बन गई है। क्योंकि वैक्सीन जब देते हैं तो उससे बॉडी में इम्यूनिटी बन जाती है और वो आपकी बॉडी में रहती है। और इसमें यह होता है कि भाई 2, 3, 4, 5 बार अगर वैक्सीन दी है तो उतना ही ज़्यादा वो बढ़ती जाती है जो इम्यूनिटी होती है, तो 95-99% तक चले जाती है। तो इस तरह से ये इरेडिकेट किया गया है। तो स्मॉल पॉक्स पहले इरेडिकेट किया गया था, उसके बाद में जो ये वाइल्ड पोलियो वायरस के 2 इम्पोर्टेंट स्ट्रेन जो हैं वो एंड कर दिए गए हैं, इरेडिकेट हो गए दुनिया से, और एक ही बचा है। तो ये इशू है। तो स्मॉल पॉक्स, वाइल्ड पोलियो वायरस 2, टाइप 2, और उसके बाद में वाइल्ड पोलियो वायरस टाइप 3, WPV3। तो 1, 2, 3 होते हैं, तो 2 और 3 इरेडिकेट हो गए हैं इसके साथ में। पहले स्मॉल पॉक्स जो जिसको बोलते थे, वो बड़ी माता जिसको शायद उसको बोलते थे, और वो बहुत पहले इरेडिकेट हो गया था, तो उसकी भी वैक्सीन वगैरह ही आई थी। और ये सिग्निफिकेंट माइलस्टोन जो है बताया गया है, 24 अक्टूबर जो कल था वर्ल्ड पोलियो डे था, इसलिए बड़ा इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन सामने आया था हमारे। और अभी सिर्फ एक जो उसका स्ट्रेन है वो रहता है। ग्लोबल पोलियो इरेडिकेशन इनिशिएटिव GPEI जो है उसके डायरेक्टर जनरल भी हैं एथनोम गैब्रियसिस, उन्होंने ये इन्फॉर्मेशन दी है कि एक ही बचा हुआ है। और वैसे सिम्टोमेटिकली ये सारे एक जैसे ही होते हैं, इनके सिम्टम्स बॉडी में एक जैसे ही होते हैं अगर इनका इन्फेक्शन होता है तो। और वो इरिवर्सिबल पैरालिसिस, मतलब कि जैसे आप देखते हो ना लंगड़ाते हुए लोग चलते हैं, इरिवर्सिबल होता है उसका, फिर से इलाज नहीं होता है क्योंकि वो नर्व्स ही डैमेज कर देता है। तो इरिवर्सिबल पैरालिसिस और डेथ भी इसमें हो सकती है। और ये तो इसका सिम्टम्स का इशू है, लेकिन ये जो वेरियंट्स होते हैं वायरस के, ये जेनेटिक और वायरोलॉजिकल इसमें डिफरेंसेस होते हैं, इसलिए अलग अलग तरीके से इनको इरेडिकेट करना पड़ता है। तो सेपरेट वायरसेस हैं इसलिए सेपरेट इसमें इरेडिकेशन होगा। तो 2 और 3 का हो चुका है। अब वाइल्ड पोलियो वायरस 1 जो है वो टाइप बचा हुआ है, और 2 ही कंट्रीज़ में है, अफगानिस्तान और पाकिस्तान, ये 2 कंट्रीज़ हैं जिनमें ये स्ट्रेन बचा हुआ है। और इंडिया से ये हो चुका है, ठीक है। एक इशू जो है वो ज़रूर है कि वैक्सीन ड्राइव्ड जो इन्फेक्शन है, मतलब इसमें एक इशू ये है कि अब जो केसेस कुछ आ रहे हैं कुछ कंट्रीज़ में, जैसे कि इन 2 कंट्रीज़ में हैं, उसमें जो वायरस, वाइल्ड वायरस के जो इन्फेक्शन हैं डायरेक्ट जो होते हैं वो कम है,
और कुछ जगह ये देखा गया है कि जो वैक्सीन दी गई है उसके कारण इन्फेक्शन जो है वो केसेस सामने आए हैं। वो कैसे हुआ कि इनएक्टिवेटेड होता है वो, और वो जब दिया गया तो बॉडी में वो एक्टिवेट हो गया, ये कुछ केसेस सामने आए हैं। और वैसे नॉर्मली देखिए फीकल ओरल जो है कनेक्शन होता है उससे इन्फेक्शन होता है, मतलब कि फीसेस जो होती है उसके अंदर, जो लैटरिन जो होती है उसके अंदर ये वायरस का स्ट्रेन होता है, और वो अगर कोई पानी के सोर्स पर मिल जाए या किसी भी तरह से फूड के अंदर कंटामिनेशन हो जाए और वो इंसान के ओरल तरीके से और वो उसके पेट में चला जाए खाने या पीने से, तो ये इन्फेक्शन होता है। तो ये पोलियो का जो मेथड है फैलने का वो यही वाला है। तो ये एक इन्फेक्शियस डिजीज़ है, इसलिए साफ़ सफाई बहुत ही प्राइम है पोलियो के अंदर। हालांकि इंडिया में अभी ये नहीं बचा है और इसके केसेस बहुत सालों से नहीं मिले हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि मिल ही नहीं सकते, हो सकता कहीं ऐसा हो। और वैक्सीन्स में चेंजेस भी किए गए हैं, पहले जो इंजेक्टेबल वैक्सीन्स थी अभी ओरल पोलियो वैक्सीन है, और भी इसमें चेंजेस करने की बात हो रही है कि भाई जो ये वैक्सीन रिलेटेड जो इश्यूज़ हैं वो नहीं खड़े हों। तो ये भी एक बड़ा फैक्टर है कि इसके अगेंस्ट में भी कुछ जो है लोग कैंपेन्स चलाते हैं, जैसे कि पाकिस्तान में एक बड़ा कैंपेन चला था जिसमें वैक्सीन्स के अगेंस्ट में चला था, कुछ टेरर ग्रुप्स जो थे उन्होंने भी ऐसा कुछ बोला था कि उन्होंने ये कहा कि ये जो वैक्सीन है ये फर्टिलिटी जो होती है उसको एंड करने के लिए है, और ये लोग हमें एंड करना चाहते हैं हमारी कौम को, इसलिए वो वैक्सीन दे के हमें और इनफर्टाइल करना चाहते हैं और डिजेबल करना चाहते हैं। तो ये इशू है। अब देखिए ऐसे माहौल के अंदर जब ऐसे केसेस आ जाएं कि जैसे वैक्सीन से ही एक्टिवेट होने के कारण और इन्फेक्शन होता है, तो ये बहुत ही ड्रास्टिक एक इशू है। इसलिए इसके रिगार्डिंग बहुत ही रिसर्च चल रही है और बेस्ट तरीका इसमें निकाला जा रहा है कि वैक्सीन के अंदर कोई भी ऐसी खामी ना आए। बाकी जितनी बार वैक्सीन दी जा रही है उतनी बार इम्यूनिटी बढ़ती है, इसलिए आपने देखा होगा कई राउंड चलते हैं पोलियो की वैक्सीन के, अभी भी चलते हैं, इंडिया में चलते हैं, ये इशू है। और ये आप देखिए यहाँ पर कि कैसे कैसे मसल जो है वीक हो जाती हैं। इस बच्चे का हाथ ही सही है लेकिन ये वाला एकदम पतला पड़ गया है, क्योंकि इसके जो नर्व्स हैं वो वायरस खा गया है, उसने इसको डैमेज कर दिया है। तो ये राइट लेग जो इसका कितना वीक है और ये नॉर्मल लेग है, तो इस तरह से है। तो ये सिम्टम्स इसमें नहीं होते हैं और मेनली बच्चों को ही करता है। पोलियोमेलाइटिस बोलते हैं इसको या इन्फेंटाइल पैरालिसिस भी बोलते हैं, और मसल वीकनेस इसमें मेनली होती है। और देखिए कई बार हेड, नेक और डायफ्राम की मसल्स भी वीक हो जाती हैं, ये भी होता है, लेकिन नॉर्मली जो लेग्स और स्केलेटल मसल्स हैं वही कमज़ोर होती हैं। और जो 2-5% जो बच्चे हैं जिनके अंदर वीकनेस होती है वो मर जाते हैं, और जिनमें वीकनेस अगर अडल्ट्स में हो गई तो 15-30% मर जाते हैं। ठीक है, ये सारे इसमें इश्यूज हैं, और अफगानिस्तान और पाकिस्तान दो ही कंट्रीज हैं जिसमें बचा हुआ, तो ये सारा एडिशनल इन्फॉर्मेशन है और ये आपको ध्यान रखना है। ऑस्ट्रिया जो कंट्री है, ऑस्ट्रियन इम्यूनोलॉजिस्ट थे कार्ल लैंडस्टाइनर ने इस वायरस को खोजा था सबसे पहले 1908 के अंदर, और 1789 में इंग्लिश फिजिशियन थे माइकल अंडरवुड, उन्होंने इसको रिकॉग्नाइज किया था एज ए डिजीज़, कि ये कोई डिजीज़ है, कोई मतलब कोई आसमानी ताकत नहीं है जो ऐसा कुछ करती है। तो उन्होंने देखा कि ये एक बीमारी है, और फिर बीमारी का रीज़न जो है वो 1908 में जाके पता लगा कि एक वायरस है, और कार्ल लैंडस्टाइनर ने इस वायरस को देखा था, और उसकी वैक्सीन्स बाद में डेवलप होती हैं। देखिए कोप्रोवस्की थे सबसे पहले, उन्होंने जो है ये पहली पोलियो वैक्सीन इसके रिगार्डिंग बनाई, फिर सेकेंड वाली इनएक्टिवेटेड पोलियो वायरस की वैक्सीन जो है 1992 में जोनास साक ने बनाई, और साक वाली काफ़ी इंपॉर्टेंट वैक्सीन थी जो सबसे ज़्यादा दी गई थी। और ये जो वैक्सीन अभी जो चल रही है ओरल पोलियो वैक्सीन OPV, वो अल्बर्ट सेबी ने डेवलप की थी, और ये तीसरा डेवलपमेंट था इसका। तो ये इस तरह से इसकी वैक्सीन डेवलप हुई हैं। अभी इसमें कई चेंजेस करने की बात की जा रही है कि भाई ये जो फीकल सैंपल्स में कुछ देखा गया है, और किन में देखा गया है, जिनको वैक्सीन दी गई थी, इसका मतलब उनकी बॉडी के अंदर वो वायरस जो है वो एक्टिवेट हो गया। तो ऐसे हालांकि ऐसे केसेस बहुत ही कम होते हैं, 7.5 लाख में कोई एक केस होता है, लेकिन एक भी होता है तो फिर वो दिक्कत करता है और वो काफ़ी नेगेटिविटी फैलाता है उस वैक्सीनेशन के रिगार्डिंग। तो इसलिए ये इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन है, इंडिया क्लाइम्स 14 नॉचेस। मैंने कल आपको डिटेल में पूरा शाम को पढ़ाया इसका, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस का, कि 63rd नंबर पर हम आ गए हैं और 77 पे थे लास्ट ईयर। और ये जो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस
तो डूइंग बिजनेस रैंकिंग DBR 2020 के नाम से आई है और ये वर्ल्ड बैंक का है। मैंने आपसे जो क्वेश्चन कल शाम को पूछा था वो देखते हैं। ये क्वेश्चन था 24 अक्टूबर के इवनिंग लेक्चर के अंदर कि डूइंग बिजनेस रिपोर्ट जो है वो क्या IMF रिलीज करता है, ये तो एक गलत था, वर्ल्ड बैंक करता है। 14 पोजीशंस का जंप है और 77 की रैंक लास्ट ईयर थी, इस साल 63rd है। तो ये मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था और इसका आंसर जो था दोनों गलत थे। और ये PIB में अपीयर हुआ था डेटा कि 14 रैंक्स हमने इम्प्रूव की है पिछले साल से, ये बड़ी बात है। और एरिया जो है मेनली तो रिजॉल्विंग इंसॉल्वेंसी, जो IBC जो कोड आया था, इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी कोड, उसके बाद में जो इंसॉल्वेंसी का जो रेजोल्यूशन वाला जो इशू स्ट्रॉन्ग हुआ है उसके कारण हमने बड़ा एक लीप इसमें लिया है। दूसरा बड़ा हमने इम्प्रूवमेंट किया है कंस्ट्रक्शन के परमिट्स के लिए। ये दो इशू जो है जो सबसे ज़्यादा इंप्रूवमेंट दिला रहे हैं यहाँ पर, और रैंकिंग हमारी इंप्रूव हुई है। और पिछले 5 साल के अंदर हमने 79 रैंक्स का इंप्रूवमेंट यहाँ पर किया है, 79 रैंक्स का, तो ये बड़ी बात है। और ओवरऑल रैंक देखिए 77 थी और ये 63rd पे आ गई है, 14 का इंप्रूवमेंट इसमें है। बाकी मेनली हमने इंप्रूव किया है रिजॉल्विंग इंसॉल्वेंसी में, 56 रैंक्स का इसमें इंप्रूव किया, मतलब इंडिविजुअल पैरामीटर्स के ऊपर भी रैंक्स आप देख सकते हो। और कंस्ट्रक्शन परमिट्स के ऊपर हमने 25 का इंप्रूवमेंट किया है, ट्रेडिंग अक्रॉस बॉर्डर पे 12 का इंप्रूव किया है और रजिस्ट्रिंग प्रॉपर्टी पे भी 12 का इंप्रूव किया है। तो ऐसे है, ये इसके फीचर्स हैं जो इंडिया की परफॉर्मेंस इस बार रही है। तो इसमें देखिए ये वही सेम चीज़ें जो मैंने आपको बताया कि किस तरह से हमने इंसॉल्वेंसी वाले इशू के कारण इसमें लीप बढ़ा लिया है। और साउथ एशियन कंट्रीज के अंदर इसकी फर्स्ट पोजीशन है और 2014 में ये 6 नंबर पे था साउथ एशिया में। 2014 में वैसे हमारी रैंक जो है वो काफ़ी पीछे थी, 142 पे थी और हमने 79 रैंक्स इंप्रूव की हैं और आज 63rd पे हम आ गए हैं। तो ये ईज ऑफ डूइंग बिजनेस जो कि वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट है, UPSC ने कई बार पूछा है, इस इशू के अंदर हमने बड़ा इंप्रूवमेंट किया है। न्यूजीलैंड फर्स्ट रैंक पे है, पिछली बार भी फर्स्ट पे था, और सिंगापुर पिछली बार भी सेकंड पे था, इस बार भी सेकंड पे है। हांगकांग थर्ड पे आ गया, देखिए हांगकांग जहाँ प्रोटेस्ट चल रहे हैं वो थर्ड पे आ गया है। और डेनमार्क फोर्थ पे है, साउथ कोरिया फिफ्थ पे है, US छठे पे है और चाइना 31 नंबर पे है। तो ये हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट ईयर का जो हमारा गोल है वो टॉप 50 में आने का है 2020 में, ठीक है, ये आप ध्यान रखना। नेक्स्ट है इशू 39 लोग जो है UK में एक ट्रक में मरे हुए मिले, एक ट्रक जो था जो बेल्जियम से एक फेरी आई थी और वहाँ से फिर उस फेरी से शायद ये रेफ्रिजरेटर्स निकाले गए, उसके अंदर ये बॉडीज थी सारी, और लंदन के अंदर वो ट्रक पार्क था आउटर एरिया में और वहाँ पर ये बॉडीज मिली है। तो ये बड़ा शॉकिंग इशू है, ट्रैफिकिंग का इशू लग रहा है क्योंकि सारे लोग चाइनीज थे, 39 लोग जो थे वो चाइनीज थे। और ये क्वेश्चन अभी सारे पूछे जा रहे हैं, बड़ा इशू हो गया है ब्रेग्जिट के बीच में ही, एक बहुत ही बड़ी बात इसमें हो गई है। और ये इतना बड़ा क्राइम जो है लंदन में कई दशकों से नहीं हुआ है और अभी इसकी जानकारी जो है वो जुटाई जा रही है। तो ये बिगेस्ट प्रॉब है 2005 में जो टेरर अटैक्स हुए थे उसके बाद में, और जिसमें 52 लोग मर गए थे उसके बाद में ये इन्फॉर्मेशन है। अब देखिए ये जो इशू ट्रैफिकिंग का हो सकता है ये बहुत ही बड़ा मिनस है, इसमें जानकारी और अवेयरनेस और जो केयर है वो सबसे इम्पॉर्टेंट है। बहुत सारे जो हैं गरीब सेक्शंस होते हैं, बहुत सारे डिजेबल्ड लोग भी होते हैं, बहुत सारे और भी इश्यूज होते हैं, उनके अंदर ट्रैफिकिंग बहुत ही ज़्यादा होती है। इंडिया का जो ट्रैफिकिंग का रिपोर्ट है वो भी आपको ध्यान रखना है, जो पिछले दिनों आया था झारखंड से सबसे ज़्यादा ट्रैफिकिंग होती है। और जो बैकवर्ड एरियाज़ हैं बहुत सारे जहाँ पर कुछ ट्राइबल्स रहते हैं उनका भी बहुत ट्रैफिकिंग होता है, जो लोग अवेयर नहीं है जिनके पास प्रोटेक्शन इतना नहीं है, और जो वीकर कम्युनिटीज से आते हैं उनके अंदर ये ट्रैफिकिंग के केसेस बहुत सारे देखे गए हैं। तो ये एक हिडन मिनास है दुनिया के अंदर जो एक ऑर्गेनाइज क्राइम है पूरा। नेक्स्ट इशू है आंध्र प्रदेश के अंदर एक इन्फॉर्मेशन मिली है कि जो 2000 साल पहले एक रिवर वहाँ पर है, स्वर्णमुखी रिवर, जिसके पास में जिसके बेसिन में ये तिरुमला रिवर जो है सबसे इम्पोर्टेंट, जो तिरुपति बालाजी का जो मंदिर है और भी वहाँ पर जो इम्पोर्टेंट टेम्पल्स वगैरह हैं, उसी रिवर के जो मुहाने के ऊपर उसके बैंक्स के पास में और एक फोर्टिफाइड सेटलमेंट मिला है और वो मैरीटाइम ट्रेड सेंटर हो सकता है। वहाँ पर देखिए ये विष्णु की मूर्ति मिली है, 2 मीटर बड़ी ये मूर्ति है और यहाँ पर कोई इम्पोर्टेंट पोर्ट था ये ऐसा कह रहे हैं, क्योंकि ट्रेडर्स का गिल्ड जो है उसके होने के चांसेस यहाँ पर काफ़ी मिले हैं। तो वैसे भी एंशियंट इंडिया के अंदर कई सारे पोर्ट्स थे जिनके कनेक्शंस जो हैं साउथ ईस्ट एशिया के नेशंस के साथ में थे, चाइनीज लोगों के साथ में भी थे वहाँ से। तो ये इशू इम्पोर्टेंट हो सकता है। इसका सेकेंड राउंड जो है वो नवंबर और दिसंबर में स्टार्ट होगा, पहला राउंड अभी एंड हुआ है।
जो पिछले साल दिसंबर में लास्ट ईयर स्टार्ट हुआ था, और उन्होंने ब्रिक एनक्लोजर्स यहाँ पर ढूंढे हैं 8th सेंचुरी एडी या फिर सीई जिसको बोल सकते हैं, उस टाइम के ये हो सकते हैं जब पल्लवास का पीरियड था उस टाइम पर, और इसमें हेडगियर और ड्रेपरी और ये सब मिला। देखिए ये हेडगियर कहलाता है और ड्रेपरी ये जो कपड़ा सा है जिस जो लपेटा हुआ है बॉडी के ऊपर ऐसे, ये कहलाता है। तो इसलिए ये ट्रेड सेंटर हो सकता है साउथ कोस्टल आंध्र प्रदेश के अंदर। अब मैप में अगर हम देखते हैं इसको, तो ये देखिए आंध्र प्रदेश का रीजन है, ये बेंगलुरु है ये जो कर्नाटका है, और ये आपको बाउंड्री दिख रही होगी इस तरह से, ये सारा जो रीजन है वो आंध्र प्रदेश में आता है। नीचे वाला रायलसीमा कहलाता है, जो आज आंध्र प्रदेश है वो रायलसीमा रीजन कहलाता है एक तरह से। और जो तेलंगाना है ऊपर, तेलंगाना प्लेटू वाला जो रीजन है वो तेलंगाना है, जो अब अलग हो गया, स्टेट बन गया अलग से। तो ये आंध्र प्रदेश के अंदर ये इंपॉर्टेंट ये एरिया है, साउथ में जो एरिया है रायलसीमा वाला उसके अंदर रिवर्स है। तो आप देखते हो ये तिरुपति जो रीजन आपको दिख रहा है, ये श्रीकालहस्ती है, यहाँ पर भी इंपॉर्टेंट टेम्पल है, और इसके पास में ये रिवर है, यहाँ पर ये रिवर है, और ये पुलिकट लेक है, इसके जस्ट नीचे तमिलनाडु की बाउंड्री आती है, और ये चेन्नई यहाँ पर है। तो ये लोकेशन आप ज़रूर से याद रखना, पुलिकट लेक कई बार पूछा गया है। और ये ऊपर पेनार रिवर है जो नेलोर डिस्ट्रिक्ट से इधर से गुजरती है और बे ऑफ बंगाल में जाती है। तो ये पेनार रिवर है, इसके नीचे ये जो इंपॉर्टेंट रिवर है स्वर्णमुखी, तो ये स्वर्णमुखी का डिस्क्रिप्शन यहाँ पर दे रखा है। तो ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है ज्योग्राफी के लिए भी। अगला इशू है एक आर्टिकल, जो अकेला आर्टिकल जो आज इंपॉर्टेंट है, बाकी सारे पॉलिटिकल हैं, और जो एक दूसरा है वो रिपीटेड इशू है जो कि जज वाला है। तो इस आर्टिकल के अंदर बातें वही है जो हमने डिस्कस की हैं, दो तीन दिन से हम लगातार डिस्कस कर रहे हैं, मैंने आपको फॉरेन रिलेशंस वाले इशू के अंदर भी बताया था। अब बात है कि जो सोची के अंदर, सोची एक जगह है रशिया में, ब्लैक सी के जस्ट ऊपर ही है, वहाँ पर अर्डोगन तो जो टर्की के प्रेजिडेंट हैं और उनके साथ में रशियन काउंटर पार्ट जो उनके थे पुतिन, उन दोनों की बीट हुई थी। इशू मैंने उनका आपको बहुत बार समझा दिया है कि जो YPGs हैं, जो कि कुर्द्स का जो ग्रुप है उसको वो काउंटर करना चाहता है टर्की, और वो टर्की जो है उनको पूरी तरह से आतंकवादी मानता है, और बहुत नुकसान टर्की को उन लोगों ने किया है ये उनका कहना है। तो एलिगेशन के चलते हुए वो अटैक उन पर करना चाहते हैं, जो कि नॉर्दर्न सीरिया के रीजन को और खासकर ईस्टर्न रीजन को वहाँ पर काफ़ी कंट्रोल करते हैं टर्की के अंदर भी। तो वहाँ पर एक सेफ जोन क्रिएट करना चाहता था टर्की, जो एक इंपॉर्टेंट स्ट्रिप ऑफ लैंड है, मतलब 400 किलोमीटर लंबा होगा और 30 किलोमीटर चौड़ा होगा, ये टर्की चाहता था, और इसको ये बफर जोन बोलता है। देखिए मैप में अगर हम देखते हैं तब समझ में आता है, शुरुआत में जब ये लड़ाई चल रही थी तो आइसिस के अंदर इतना एरिया कंट्रोल में था, ये सीरिया जो देश है और ये पूरा कवर था, इधर इराक पूरा कवर था, ये सिटीज़ हैं इंपॉर्टेंट, मोसल सिटी, इरबिल, किरकुक, तिरकृत, समारा, ये इराक की सिटीज़ हैं, रमादी है, और रिवर्स देखिए दो इंपॉर्टेंट रिवर्स हैं, टिग्रिस और यूफ्रेट्स, और दोनों के ऊपर इंपॉर्टेंट शहर बसे हुए हैं सारे, रमादी है, ये मोसल है, ये सारे हैं इंपॉर्टेंट ये हैं। और जो यूफ्रेट्स रिवर जो है वो सीरिया से भी आ रही है, इधर रक्का शहर है या अलेप्पो है, तो ये सारे इसी रिवर और इनके बैंक्स के ऊपर बसे हुए हैं। यहाँ पर सबसे पुरानी मेसोपोटामिया की सिविलाइजेशन थी, आपको याद होगा वो इराकी एरिया में थी। तो ये यूफ्रेट्स रिवर है, ये टिग्रिस रिवर है, और बाद में आइजिल फ्री बफर जोन स्टार्ट में क्रिएट किया गया इस रीजन के अंदर, लेकिन टर्की ने इसकी डिमांड की कि ये पूरा आगे तक जाना चाहिए, खासकर ये वाला जो रीजन है इसके अंदर यहाँ तक ये होना चाहिए, और ये इधर इराक है यहाँ तक एक्सटेंड करेगा, ये जो स्ट्रिप ऑफ लैंड है इसको बफर जोन क्रिएट करना चाहता था टर्की, इसका प्रपोजल था, और इसको वो लेकर रह गई, उन्होंने बोला यहाँ पर जो है आइसिस वगैरह के, मतलब इनको कैंपों में रखा गया था बंदी बनाकर, और कुर्द्स जो है वो उनके अंडर थे, जो कुर्द्स ने कंट्रोल कर रखा था आइसिस के इन कैंप्स को, तो इन कुर्द्स को यहाँ से भगाने के लिए टर्की पूरा जुटा हुआ है। अब रशिया कब आता है पिक्चर में, जब अमेरिकन विड्रॉल यहाँ से हो रहे हैं। ट्रंप का गोल था कि भाई जो बड़े बड़े इश्यूज दो चल रहे हैं, एक तो अफगानिस्तान में, एक सीरिया में, दोनों जगह ट्रूप्स हैं, इनको कम करना था, ये उसने अपने इलेक्शन कैंपेन में बोला भी था तीन साल पहले। अब ये गोल कैसे पूरा हो, क्योंकि अगले साल इलेक्शंस हैं, तो उससे पहले कम से कम एक जगह से यहाँ से विड्रॉल हो। तो ट्रंप का तो एक ये गोल पूरा होता है कि भाई आइसिस को कंट्रोल किया गया, उसमें किसने हेल्प की, YPGs ने ही हेल्प की, जो कुर्द्स हैं या फिर सीरियन डेमोक्रेटिक फोर्सेस भी इनको बोला जाता है। तो उन्होंने लड़ाई लड़ी, अमेरिका ने ट्रेनिंग दी, वेपन्स दिए, और साथ में जो ट्रूप्स वहाँ पर थी, तो ये कंट्रोल किया, तो अमेरिका काम पूरा हो गया। अब बाकी जिम्मेदारी कभी अमेरिका लेता नहीं है, बात वही करता है कि हम एस्टैब्लिश करेंगे, रूल बेस्ड ऑर्डर को करेंगे, ये करेंगे वो करेंगे, लेकिन किया कुछ नहीं, यहाँ सीरिया पूरा बर्बाद हो गया,
लेकिन आईसिस जो है वो कंटेन उनको किया गया, हालांकि पूरे खत्म नहीं हुए, वो इधर उधर भाग गए सारे के सारे और हिडन एरियाज में, यहाँ तक कि अफ्रीका तक के रीजन्स में भाग गए हैं, इधर ईस्ट में भाग गए हैं, तो वो सब चीज़ें, लेकिन यहाँ से एंड हो गया। तो सीरियन गवर्नमेंट जो है वो भी कोलैप्स करने वाली थी 2015 में, लेकिन 2015 में रशिया जो है आके उसको बचाता है और बशर असद जो प्रेसिडेंट थे, आज भी हैं सीरिया के, उनको सपोर्ट करता है। उसके बाद में ये एरिया कंट्रोल में आते हैं, तो सीरियन गवर्नमेंट को रशिया ने बचाया, लेकिन रशिया का इन्वॉल्वमेंट जो था वो एक रीजन बेस्ड था कि अमेरिका वहाँ पर एक्टिव था, तो वहाँ जहाँ अमेरिका एक्टिव है वहाँ जो लूज़ कर रहा है उसको काउंटर करने के लिए रशिया ज़रूर से जाएगा। अभी भी जब विड्रॉ किया है तो एक वैक्यूम क्रिएट होता है और रशिया वहाँ पर फुलफिल करने के लिए उसको तैयार था, और टर्की का उसने साथ दिया। और क्यों दिया? क्योंकि टर्की YPGs को अपोज कर रहा है जो अमेरिका सपोर्टेड थे, इसलिए रशिया अर्डोगन का साथ देता है और इनकी मीट भी होती है। और जो डिमांड है इनकी, टर्क्स की, मतलब टर्की की, अर्डोगन की, वो इन्होंने मैप पे दिखा रहे हैं अपना प्रपोजल कि ये उनको क्रिएट करना है, ये रेड लाइन जो बॉर्डर दिखा रहे हैं ये यही वाला बॉर्डर है कि यहाँ हमें बफर जोन क्रिएट करना है, जहाँ पर क्या करेंगे, एक तो जो रेफ्यूजीज आए हुए हैं सीरिया से उनको सेटल करेंगे, और ये एक बड़ा बार्गेन स्टार्ट होने वाला है, क्योंकि देखिए इदलीब जो एरिया है ये आज कंट्रोल में नहीं है सीरियन गवर्नमेंट के, बशर असद के, और इसको लेना चाहते हैं, तो रशिया उसमें हेल्प करेगा क्योंकि पहले से भी वो गवर्नमेंट की हेल्प कर रहा है। यहाँ पर फिर क्राइसिस खड़ा होगा नया, यहाँ पर लोग फिर यहाँ से भागेंगे, जैसे कि पहले एलोपो में हुआ था, सेम ऐसा अब इदलीब में होगा, तो यहाँ से भी लोग इधर उधर जाएंगे, तो वो कहाँ जाएंगे, इस एरिया में वो सेटल हो, तो ये बफर जोन टर्की चाहता है कि वो टर्की में ना आए वो लोग और वो यहीं रह जाएं, तो ये टर्की का इशू है। और इसमें जो कुर्द्स हैं वो उनको यहाँ से अब जाना पड़ेगा, वो जाने भी लग गए हैं, तो ये इशू है। और इन सब के अंदर रशिया का रोल जो है वो बड़ा सेंट्रल हो गया है। तो ये सारा चीज़ें जो है चल रही हैं, देखिए कैसे ग्लोबल पॉलिटिक्स चलती है, कितना मतलब सोचिए जो लोग यहाँ पे रहते हैं उसकी बात कोई भी नहीं करता, उनकी क्या हालत होगी, हम लोग आप अपनी आराम जिंदगी आराम से जी रहे हैं, सोचिए ऐसा कुछ होता रहे और बड़े देश आकर अपने अपने गेम खेलने लग जाएं, ये हो जाए वो हो जाए, ये सब कैसे हो जाता है? ये सब होता है जब अवेयरनेस एंड हो जाती है, इन्फॉर्मेशन नहीं पहुँचती है सच्ची लोगों के पास में, लोग इतने कमज़ोर हो जाते हैं कि उनके अंदर ना तो कोई नॉलेज बचती है, ना वो कभी इकट्ठे हो सकते हैं, ना वो कोई डेमोक्रेटिक प्रोसेस को सही से रख पाएंगे। वहाँ पर स्टार्टिंग ऐसे ही होती है, कोई ऐसा लीडर आता है जो बहुत करिश्मा दिखाता है, बहुत बड़ी बड़ी बातें करते हैं, बहुत नेशनलिज्म की बातें होती हैं, सब कुछ होता है, फिर वो ऐसी टेंडेंसीज दिखाने लग जाते हैं, फिर लोगों का दिमाग मैनिपुलेट करने लग जाते हैं, दिमाग धीरे धीरे ऐसा होता जाता है कि वो गलत चीज़ों को सपोर्ट करने लग जाते हैं, एक्सट्रीमिज्म को सपोर्ट करने लग जाते हैं, फिर धीरे धीरे डिवास्टेशन होता है, और जिनको अपना मतलब निकालना होता है वो अपना मतलब निकाल लेते हैं और बाकी सबको बर्बाद होने के लिए छोड़ देते हैं, और फिर ऐसे क्राइसिस खड़े होते हैं और फिर बड़े देश आकर वहाँ पर अपने गेम खेलते हैं। तो ये सब चीज़ें डेमोक्रेटिक प्रोसेस अगर मजबूत रहती है तो नहीं होते हैं, लेकिन वो कमज़ोर होती है तो ये सब होते हैं। इसलिए हर देश के लिए सीख बन गए हैं ये देश जो है, सीरिया है, अफगानिस्तान है, और जितने भी जो मिडिल ईस्ट के कंट्रीज़ हैं इनके अंदर जो भी कुछ चला है, तो ये इशू है, और इसलिए ये चीज़ है। देखिए इस सारे गेम के अंदर कुर्द्स जो हैं, जो कि टर्की के ईस्टर्न एरिया में और इराक के वेस्टर्न एरिया में, ये और ईरान के भी नॉर्थ वेस्ट एरिया में यहाँ पर मेनली डोमिनेटेड थे, इन बेचारों ने लड़ाई लड़ी आईसिस के अगेंस्ट में। पहले अमेरिका आया, सीरिया की फोर्सेस आई, सब ने कोशिश की, लेकिन आईसिस पर कंट्रोल नहीं हो पाया, लेकिन YPGs आए, बड़े बहादुर इनके लोग थे, और इन्होंने ये लड़ाई लड़ी और इनको पूरा मार भगाया और सारा कंट्रोल में लिया एरिया। YPGs के बिना, इन कुर्द्स के बिना ये चीज़ पॉसिबल नहीं हो पाती थी, लेकिन आज इस सारे गेम में सबसे बड़े लूजर्स जो हैं वो कुर्द्स ही हो गए हैं। ये होती है ग्लोबल पॉलिटिक्स, यही सबसे बड़े लूजर्स यहाँ पर रह गए हैं। और पुतिन जो है वो, उन्होंने अपने आप को एस्टेब्लिश कर लिया है सबसे क्रिटिकल प्लेयर इस सारे सीरियन थिएटर के अंदर। तो सीरियन गवर्नमेंट प्रैक्टिकली तो सिविल वॉर जीत गई है, लेकिन जो रशिया का जो हेल्प है उस पर डिपेंडेंट है, और इदलीब को अब आगे नेक्स्ट लेना है, और जो अभी अहरार अल शाम के द्वारा कंट्रोल्ड है, जो कि पहले जबात अल नुसरा था और वो अलकायदा का ही एक ऑफशूट था, मतलब कि एक टेरर ग्रुप है उसके अंदर कंट्रोल में है, तो उसको ज़रूर से असाद लेना चाहेंगे, तो उसके लिए ऑपरेशन पे चलाना था, लेकिन अभी ये जो डील हुई टर्किश प्रेसिडेंट और रशियन प्रेसिडेंट के बीच में, तो इसलिए इसको हॉट किया गया, अभी आगे चलेगा और उसमें रशिया साथ देगा, तो नया एक क्राइसिस वहाँ पर खड़ा हो सकता है। तो देखिए अमेरिका तो अपना करके छुट्टी चला गया, और वो विड्रॉ वहाँ से थोड़ी बहुत जो फोर्सेस हैं वो थोड़े बहुत टाइम के लिए रहेंगे और वहाँ से वो चली भी जाएंगी, लेकिन आगे अब कौन क्या करता है वो देखने वाली बात होगी। लेकिन रशिया का जो गेम है वो बड़ा स्ट्रॉन्ग यहाँ पर हो गया है कि अमेरिका जहाँ से विड्रॉ कर रहा है वहाँ पर चीज़ें सॉल्व नहीं हुई हैं, और रशिया आके वहाँ पर चीज़ें सेटल कर रहा है, क्योंकि आज देखिए विन विन सिचुएशन हो गई है सबके लिए। कैसे?
अमेरिका को विड्रॉ करना था, वो निकल गया। टर्की को क्या चाहिए था? टर्की को एक तो सैंक्शन नहीं चाहिए थे अमेरिका के, और इस एरिया को भी कंट्रोल चाहिए था, बफर जोन चाहिए था, वो भी हो गया। सीरियन गवर्नमेंट को भी यहां पर आराम से ऑटोनॉमी मिल गई और सब एरिया उसके कंट्रोल में आ गया। तो सबके लिए विन विन सिचुएशन हो गई। और रशिया के लिए क्या चाहिए था? रशिया को चाहिए था कि उसकी यही एक इच्छा थी कि अमेरिका यहां से किक आउट हो, यहां से भागे, और हमारा यहां पर जो है डोमिनेंस क्रिएट हो, और वही चीज होने लग रही है। तो सबके लिए विन विन सिचुएशन हो गई है। ट्रंप के लिए भागना पॉसिबल हो गया, और पुतिन के लिए अमेरिका को भगाना पॉसिबल हो गया, जो खुद से ही चले गए कंडीशन के अकॉर्डिंग, और टर्की के लिए ये बफर जोन क्रिएट हो गया। तो ये इशू है। एक छोटा इशू है कि जो नागालैंड के जो ग्रुप्स हैं इंपॉर्टेंट, उसमें से एक इसाक महुआ वाला NSCN जो है, नेशनल सोशलिस्ट काउंसिल ऑफ नागालैंड, उसके साथ में टॉक्स चल रही है, वो फेल होगी। उनकी 2015 से ही ये चीज़ चल रही है, और 15 में एक इंपॉर्टेंट अकॉर्ड साइन हुआ था, लेकिन उसके अंडर एक और इशू जो है वो खड़ा हुआ कि सेपरेट फ्लैग और सेपरेट कॉन्स्टिट्यूशन हमारा होना चाहिए, क्योंकि ये जो ग्रुप है नागालैंड वाले, ये कह रहे हैं कि हमें ये बोला गया कि हमारा जो कल्चर है और जो हमारा जो ये है इसको कंजर्व किया जाएगा। तो इसका इंटरप्रेट अगर हम करें इस अकॉर्ड के अंदर, तो उसके हिसाब से हमें हमारा फ्लैग होना चाहिए और हमारा कॉन्स्टिट्यूशन भी होना चाहिए। तो हालांकि ये चीज़ बड़ी सी थोड़ी सी अलग लगती है, क्योंकि वो जानते हैं कि इंडिया का स्टैंड क्या है और हमारा एक देश है, वो जानते हैं सब कुछ। तो ये जो है अलग से कैसे अलाउ कर सकते हैं? तो इंडिया ने क्लियर कर दिया है, मतलब इंडिया का ही पार्ट है, लेकिन मतलब जो हमारा सॉरी सेंट्रल गवर्नमेंट का जो इसमें जो स्टैंड है वो क्लियर है। आर एन रवि वहाँ पर गवर्नमेंट के इंटरलॉक्यूटर हैं, और स्टेट के गवर्नर भी हैं, तो वैसे भी ट्राइबल एरियाज में गवर्नर का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल होता है। तो वो कह रहे हैं कि ये तो चीज़ नहीं पॉसिबल होगी, सेपरेट फ्लैग और कॉन्स्टिट्यूशन नहीं दिया जाएगा, लेकिन वो कह रहे हैं कि इसी अकॉर्ड में एक प्रोविजन था और इसको इंटरप्रेट अगर हम करें तो ये चीज़ जस्टिफाइड है, लेकिन ऐसा नहीं होगा। तो 31 अक्टूबर का लास्ट डेट दिया गया है, और आर एन रवि ने यह कहा है कि कैसे भी, चाहे आपकी डील हो नहीं हो, ये पूरा हो जाएगा, फाइनलाइज हो जाएगा, और ये पीस अकॉर्ड साइन हो जाएगा, और इसमें आपको ये फ्लैग और कॉन्स्टिट्यूशन अलाउ नहीं किया जाएगा। तो यही बस इशू है, और ये टॉक्स फेल हो गई है। अभी फिर से चलेंगी और देखना होगा क्या होता है। वहाँ पर बहुत सारे ग्रुप्स हैं इंपॉर्टेंट, और उन सब के अंदर जो है कुछ इशूज़ के लिए कंसेंसस है, कुछ के अंदर नहीं है। यही बस इशू है, और इसका जो ये आगे कैसे होता है 31 अक्टूबर तक, वो मैं देखना होगा। नेक्स्ट वीक के अंदर इसके रिगार्डिंग आर्टिकल्स आने वाले हैं। तो ये आज का लेसन था, और कल मिलेंगे। थैंक्स फॉर कीप वॉचिंग टू समित सैनी। शाम का लेसन जरूर।